जो व्यक्ति भगवान जी के हुक्म को मानता है वही उसके दरबार में मंजूर हो जाता है। यदि मनुष्य को सतगुरु मिल जाए तो वह प्रभु को जान लेता है, जो उसकी रजा में रहता है वही उसके हुक्म को पहचान लेता है। वह उसके हुक्म को पहचान कर सत्य के द्वार में निवास पा लेता है। शब्द द्वारा जन्म मरण का नाश हो जाता है। जो जगत से निर्लिप्त रहता है वह सब कुछ प्रभु का ही समझता है। वह अपना तन मन उसे अर्पण कर देता है जिसने उसे बनाया है। हे नानक, ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम सत्य में ही समा जाता है। बिलावल महला तीजा अष्टपदी घर 10। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंज ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिन नावे पाज लहग निदान सतगुर सेव नाम बसे मन चित गुर भेंटे हर नाम चितावे बिन नावे होर झूठ परीत रहाऊ गुर कहया साकार कमावह शब्द चिन्ह है सहज घर आवह साचे नाई बड़ी आई पावह आप न बुझे लोक बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दर घर महल ठौर कैसे पावे हर जीव से विये अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समाणी तिस नाल किया चले पहनामी सच्चा नाम साचे शब्द जाने आए आप मिले चूके अभिमाने गुरमुख नाम सदा सदा वखाने सतगुर से विये दूजी दुर्मत जाई अवगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलिए बड़ी बड़ियाई दुख काटे हृदय नाम बसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मन्या करणी सार गुरमत मन्या मोख द्वार नानक गुरमत मन्या परवारे सधार। यह जगत कौआ है जो मुह रूपी चोंच से थोड़ी ज्ञान की बात तो करता है किंतु इसके अंतर मन में लोभ झूठ एवं अभिमान ही भरा हुआ है। नाम के बिना इसका अंत में पाखंड प्रकट हो जाएगा। सतगुरु की सेवा करने से परमात्मा जी का नाम मन एवं चित्त में आ बसता है। जिसे गुरु मिल जाता है वह उसे हरि नाम ही याद करवाता है। नाम के बिना अन्य सब प्रेम झूठे हैं रहाऊ। गुरु के निर्देशा अनुसार ही कार्य करो। शब्द को पहचान कर सहज अवस्था में आ जाओ और सत्य नाम द्वारा बड़ियाई प्राप्त करो। जो व्यक्ति स्वयं तो कुछ समझता नहीं किंतु लोगों को समझाता रहता है वह मन का अंधा है और अंधे काम ही करता है। फिर ऐसा व्यक्ति प्रभु के दरबार में कैसे स्थान प्राप्त कर सकता है? अंतर्यामी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए जिसकी ज्योति घट घट में समा रही है। उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। सच्चे शब्द द्वारा ही सत्य नाम को जाना जाता है। फिर वह स्वयं ही जीव को अपने साथ मिला लेता है जिससे सारा अभिमान समाप्त हो जाता है। गुरमुख हमेशा ही परमात्मा जी के नाम का वखान करता रहता है। सतगुरु की सेवा करने से इंसान का द्वैत भाव एवं दुर्मति दूर हो जाती है। उसके सब अवगुण कट जाते हैं और पापों वाली बुद्धि नाश हो जाती है। फिर काया शुद्ध हो जाती है और आत्म ज्योति परम ज्योति में वलीन हो जाती है। जिसे सतगुरु मिल जाता है उसे बड़ी बड़ियाई मिलती है। सतगुरु उसके दुख दूर करके हृदय में नाम बसा देता है। परमात्मा के नाम में लीन रहने से जीव को सदैव सुख प्राप्त हो जाता है। गुरु उपदेश को मानने से जीवन आचरण श्रेष्ठ हो जाता है। गुरु उपदेश को मानने से ही मोक्ष का द्वार मिलता है। हे नानक, गुरु उपदेश को मानने से
तो समूचे परिवार का भी कल्याण हो जाता है। विलावल महल्ला पांच, अष्टपदियां घर ग्यारह, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप खाई हाउ मेटे अन दिन, हर रस गीत गवाया, गुरमुख परचे कंचन काया, निर्भव ज्योति ज्योत मिलाया, मैं हर हर नाम आधार रमया, खिन पल रह ना सकौ बिन नावे, गुरमुख हर हर पाठ पढ़िया, रहाऊ एक ग्रह दस द्वार है, जाके अहिनिस तस कर पंच चोर लगिया, धर्म अर्थ सब हीर ले जावह, मन मुख अंधुले खबर न पाया, कंचन कोट वह माणिक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लाया, तस्कर हीर आई लुकाने, गुर के शब्द पकड़ बंद पाया, हर हर नाम पोत बोहित था, खेवट शब्द गुर पार लंघाया, जम जगाती नेड़ न आवे, ना को तस्कर चोर लगिया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ एकत घर आवे, मिलाऊ गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्स मन तृप्ते, श्रवण वाणी गुर शब्द सुनाया, सुन सुन आत्म देव है भीने, रस रस राम गोपाल रबिया, त्रिगुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब भ्रम पसरिया, राम नाम है ज्योत सवाई, गुरमुख आपे अलख लिखिया, नानक दीन दयाल भय है, भक्त भाई हर नाम समाया, जो अपनी अहम भावना को दूर कर देता है, अपने अहंकार को मिटा देता है, वह रात दिन हरि नाम रस के गीत गाता रहता है। जो जीव गुरमुख बनकर प्रसन्न रहता है, उसकी काया कंचन जैसी शुद्ध हो जाती है, जिससे निडर होकर उसकी ज्योति परम ज्योति में वलीन हो जाती है। परमात्मा जी का नाम ही मेरे जीवन का आधार है, और नाम के बिना मैं पल भर भी नहीं रह सकता। गुरु ने अपने मुख से मुझे हरि समरण का ही पाठ पढ़ाया है। रहाऊ यह मानव शरीर एक घर है, जिसके दस द्वार हैं, काम क्रोध मोह लोभ एवं अहंकार रूपी पांच चोर सेंध लगा रहे हैं। वे इस घर में से धर्म एवं अर्थ रूपी सारा धन चोरी करके ले जाते हैं, किंतु अंधे मनमुखी जीव को इसकी खबर नहीं होती। यह शरीर सोने का किला है, जो सत्य संतोष दया धर्म रूपी अनेक रत्नों से भरा हुआ है। इस किले के रक्षक ज्ञान इंद्रियां परम तत्व में वृत्ति लगाई रखती हैं। काम आदिक तस्कर इस किले में छिपकर बैठे रहते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों ने गुरु के शब्द द्वारा इन्हें पकड़कर बंदी बना लिया है। हरि का नाम जहाज है, तथा गुरु का शब्द भव सागर से पार करवाने वाला मलाह है। अब कर लेने वाला यमराज पास नहीं आता, और ना ही काम आदिक तस्कर चोर किले को सेंध लगा सकते हैं। मेरा मन दिन रात सदैव ही हरि के गुण गाता रहता है, और मैं हरि यश करके उसका अंत नहीं पा सका। गुरु के माध्यम से मेरा मन अपने अंतर स्वरूप में आ गया है, और अब मैं अनहद शब्द रूपी ढोल बजाकर भगवान जी से मिलूंगा। अपने नैनों से दर्शन करके मन तृप्त हो जाता है, और कानों से गुरु की वाणी एवं गुरु शब्द सुनता रहता हूँ। गुरु शब्द सुन सुनकर मेरी आत्मा हरि रस में भीगी रहती है, और राम को याद करती रहती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन त्रिगुणों में जीव माया में ही फंसा रहता है, लेकिन गुरमुख ने तुरिया अवस्था प्राप्त कर ली है।